खम्मा के नहीं पाया ना आज मेरी जॉब छूट गई। बात होगी जॉब पे तो जॉब छूट गई। आज जो बात हुई बा अगला लोगों में बताऊंगा। अखबार में जॉब वो आयो करा और भी कबार में थोड़ो राजू के निकले बैठे बात बात करी मैं। राजू की भी छूट गई। राजू तो खुद ही छोड़ दियो पहली काल ही छोड़ दियो। फिर मैं आज के दिन मैंने दोबारा लगवायो योगेश जी से बात करके और फिर वही योगेश जी बोले कि तू नहीं आएगा तो फिर वो भी नहीं आएगा तो रहने तो राजू को भी मना कर देना। तो अबार फिर मैं घर आयो राजू में बैठो। फिर अबार राजू का घर दोबारा घर आके तो नानी सा बोली मन कि मन धनुधारी आपने बताया पहली वाला व्लॉग में कि नानी सा भी धनुधारी है पता नहीं खूब बार खेलती। तो ये बार आज मंगलवार भी है तो मैं नानी सा ने धनुधारी ले जा रहा हूँ और नानी सा मारी मारी कुंडली ले ली। बोले कि काय चक्कर है कि नौकरी को लागे ई लिए नानी सा मारी जन्म कुंडली ले ली। नानी सा ले लिया ना कुंडली खटे नानी सा रख लिया और अबार मैं अठे सूटकेस में रख में लू मैं संभाल के नानी सा कहीं रख कर भूल जावे तो चला नानी सा। हाँ नानी सा चश्मा भी लिया दिखाओ नानी सा देखो चला। तो नानी सा और मैं दोनों दोनों उधर जा रहे हैं स्कूटी से जाऊंगा अब बैठे। नानी सा वो बैठी और नानी सा को अभी सांड गिरा दिया। ये अभी घर जाके बताऊंगा ये पूरी बात। अभी मैं गया नानी सा और हम चले गए थे घर की तरफ तब नानी सा को बीच में आता है कि नानी सा का चश्मा गिर गया। अभी इस यही सांड था यही सांड नानी सा को गिरा दिया। अभी चश्मा नानी सा का एक बार मैं नानी सा को इधर सांड गिरा दिया था। मैं यहाँ पे बैठी थी मैं उधर था स्कूटी के पास तो मेरे को कुछ पता नहीं था। अभी ये रहा चश्मा नानी सा का मिल गया। ये नानी सा का चश्मा है और इधर नानी सा बैठी थी मैं हम उधर मैं और दीपक छोटा उधर बात कर रहे थे स्कूटी की तरफ। तो वहाँ से मैं सोचा यार काफ़ी टाइम हो गया नानी सा आई नहीं तो मैं इधर आके देखा तो नानी सा को इधर बैठाया रखा और नानी सा बंदरों को चने और वो जो प्रसाद था वो खिला रही थी चने बुंगड़े तो खिला रही थी। और ये सांड आया और पीछे से नानी सा को उठा के गिरा दिया जैसे भी गिराया। और मुझे पता नहीं नानी सा इधर बैठी तो नानी सा के पैर में बहुत तेज लगी थी बहुत ज़्यादा तेज। तो बस वो लोग ठीक खत्म करा। जय श्री राम हर हर महादेव।